अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। किसी ने आज एक सवाल किया कि होम स्कूलिंग तो बहुत मुश्किल काम है, आप कैसे करती हैं और सब चीज़ों के साथ। सो माय आंसर इज़ कि होम स्कूलिंग इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट एंड करेज। इफ़ यू हैव दीज थ्री देन यू कैन ऑल्सो डू इट, इट्स नॉट वेरी हार्ड। सो द क्वेश्चन वॉज कि मैं कैसे कर लेती हूँ ये। मैं ऐसे कर लेती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मदद करता है अगर आपकी इंटेंशन क्लियर होती है। और मेरी इंटेंशन ये है कि होम स्कूलिंग को मैं किसी स्कूल के सिस्टम से कंसिडर नहीं करती, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ तरबिया। और मेरा ऑब्जेक्टिव अपने बच्चे को ए प्लस और ए प्लस प्लस दिलाना नहीं है, और मेरा ऑब्जेक्टिव जो ये है कि उसे एक अच्छा इंसान बनाना और एक सच्चा मुसलमान बनाना। जब वो ये सब चीज़ें बन जाएंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। मैं अपने ख़ुद की स्टूडेंट लाइफ में भी कभी भी ए प्लस प्लस या ए प्लस नहीं ले सकी, जबकि मुझे पढ़ने का बेइंतहा शौक़ था और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे मैंने अपना ध्यान दिया हमेशा। तो ये जो दिल में ख्वाहिश थी दबी हुई, ये उस वक्त से ही थी। ऑफ कोर्स अपने आप को तो होम स्कूल नहीं कर सकती थी, तो दैट्स वाई आई एम डूइंग इट फॉर माई किड्स। और अल्लाह ताला सब कुछ करा लेता है, ऑल्दो आई एम वेरी सिक, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और मुझे सर्टन हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। बट यस, बात जहाँ से शुरू हुई थी ख़त्म भी वहीं होगी कि इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड करेज। यस, दिस इज़ नॉट अ ईजी, नॉट एन ईजी डिसीजन। ये एक बहुत टफ डिसीजन होता है कि अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, जो कि एक नॉर्मल रूटीन है। तो लेकिन दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आपको सब कुछ खुद नहीं कराना, यू हैव टू लुक फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज। तो ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, सीरीज़ का नाम है दिल की बातें, एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस सीरीज़ टू माई दादी। शी हैज़ पास्ड अवे 3 years back। एंड आप सब ने ये करना है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा पहुंचा है, देन यू हैव टू से आमीन विद मी। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला मेरी दादी के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। और मेरी दादी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी और उन्होंने मेरी सारी अचीवमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आपको सबको कहना है आमीन। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह एवरी डे आपको एक मोटिवेशन डोज मिला करेगी मेरी तरफ़ से। अल्लाह हाफिज़।